वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से, जहां ब्लैक ग्रीन फंगस के बाद व्हाइट फंगस संक्रमण का मामला सामने आया है। व्हाइट फंगस का ये प्रदेश का पहला मामला है। इंदौर में उपचाररत धार जिले की महिला में व्हाइट फंगस संक्रमण की पुष्टि की गई है। दरअसल धार जिले की पोस्ट कोविड 50 साल की महिला मरीज का हाल ही के दिनों में निजी अस्पताल में मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद महिला के मस्तिष्क से ट्यूमर को निकाला गया है, लेकिन जब इस ट्यूमर की बायोप्सी और कल्चर टेस्ट किया गया तो इसमें व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई। माना जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा व्हाइट फंगस इन्फेक्शन है, जिसका आकार 8.6 सेंटीमीटर है। विशेषज्ञों के मुताबिक मरीज में फंगस इन्फेक्शन खून के जरिए हुआ है, जबकि सामान्य तौर पर अब तक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण शुरुआती तौर पर नाक और आँख में देखे गए हैं, लेकिन व्हाइट फंगस के ऐसे कोई भी लक्षण नज़र नहीं आए थे। हालांकि पहले भी व्हाइट फंगस कई मरीजों में पाया गया है, लेकिन पोस्ट कोविड मरीज में इंदौर में पहली बार मिला है। इस फंगस के लिए इलाज के लिए एम्फोरेटिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको बता दें कि इंदौर में ब्लैक फंगस के अलावा अब तक ग्रीन और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन की पुष्टि हो चुकी है। ये पेशेंट हमारे पास धार से आया था और ये पेशेंट मेरे पास आने के पहले एक दूसरे हॉस्पिटल में गया था, जहाँ इसको थोड़ी सी वीकनेस थी राइट साइड ऑफ द बॉडी में, और एक वहाँ इसका सीटी स्कैन भी हुआ था जिसमें बहुत ही छोटा सा मटर के दाने के बराबर एक ट्यूमर जैसी चीज़ थी। और उसके बाद क्योंकि ये वहाँ कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद इसको कुछ कन्फ्यूजन हुआ, ये वापस धार चला गया। धार जाके इसका जो राइट साइड की वीकनेस थी वो बढ़ गई और इसने अपने आप को कोविड होने के कारण से 15 दिन के लिए खुद ही आइसोलेट कर लिया था। उसके बाद जब इसकी वीकनेस बढ़ गई तो ये कहीं से मेरे बारे में सुन के वापस इंदौर आया, और इंदौर में इस बार ये मेडिकल हॉस्पिटल में आया। तो मैंने जब देखा कि इसकी वीकनेस बढ़ रही है, इसका मतलब ब्रेन में जो भी चीज़ है वो तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ है, तो हमने दोबारा से इसका एक MRI कराया। MRI के अंदर हमको लगा कि ये बहुत बड़ा एक गठान टाइप की चीज़ है और इसको इमीडिएट ऑपरेट करना चाहिए, और ये सोच कर ही हमने इसको फिर ऑपरेशन थिएटर में लिया और अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस ही हमने इसका ऑपरेशन भी किया। और ऑपरेशन में पूरा वो ट्यूमर निकाल दिया था, लेकिन जब हमने इसको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए बायोप्सी के लिए भेजा तो पता चला कि ये ट्यूमर नहीं है बल्कि एक तरह की फंगल ग्रोथ है जो एस्परजिलोसिस है, जिसको आम भाषा में वाइट फंगस भी कहा जाता है। इस तरह का वाइट फंगस जब हमने वापस से दोबारा इसका MRI रिव्यू किया, उसमें देखा कि ये फंगस कहीं भी साइनस से, नेजल कैविटी से या आँख के थ्रू नहीं आता है, जो जनरली ब्लैक फंगस का हम देख रहे हैं इंदौर में, लेकिन ये ब्लड बॉर्न था, ये ब्लड के थ्रू ऊपर गया और ब्रेन में ये जाके मैसिवली ग्रो कर गया। ये चीज़ है सर, ये वाइट फंगस जो है तो फिर ब्लड इसमें मेजर क्या निकल कॉज क्या है कि ये सर उधर वाइट फंगस ब्लड के थ्रू हो रहा है सर? क्या अभी तक ये लार्जेस्ट अभी तक का सर इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड के बारे? मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा फंगस है जो ग्रो हुआ है ब्रेन में और जो ब्लड के थ्रू ऊपर गया है। अब सवाल ये है कि ये ब्लड में कैसे आया है, तो ये फंगस हमारे वातावरण में हर जगह मौजूद है, टेबल के ऊपर है, वॉल्स के ऊपर है, हमारे मोबाइल के ऊपर है, हमारे खाने के ऊपर है, और इसको जहाँ भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके बॉडी में लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, ये वहाँ पे अटैक करता है। और जैसे ये पेट में जाएगा, लिवर में जाएगा, वहाँ से हार्ट में जाएगा और ब्लड के थ्रू फिर ये ब्रेन में जाएगा। सर की साइज क्या थी, कितने साइज? इसका साइज लगभग आप माने 8.2 सेंटीमीटर्स इंटू 4.6 सेंटीमीटर्स इंटू 4 सेंटीमीटर्स था। ये स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल से पैराइटल एंड देन पोस्टीरियर पैराइटल एंड अप टू द प्री ऑक्सीपिटल लोब ये गया था। काफ़ी बड़ा है। नहीं, वाइट फंगस का नाम तो सबने सुना है, लेकिन ब्रेन में इतना बड़ा वाइट फंगस होना ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। ये पोस्ट कोविड पेशेंट है और बाद में जब हमने ऑपरेट किया तब तक ये नेगेटिव हो चुके थे। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे ब्लैक फंगस में
सबसे कारगर दवाई एम्फोटेरिसिन है, जिसकी इंदौर में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन वाइट फंगस में एंटी फंगल दवाई दूसरी है जो कि अवेलेबल है इंदौर में, उसका नाम है वोरिकेनाजॉल। और वोरिकेनाजॉल का ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसकी कॉस्ट कम करने के लिए शुरुआत में 2 दिन इंजेक्टेबल दिया, और 2 दिन इंजेक्टेबल देने के बाद हमने इसको ओरल एंटी फंगल ड्रग पे चालू कर दिया। सर, मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो क्या ये अब तक का ब्रेन नेफ्राइजन सबसे बड़ा ट्यूमर है? जी, वाइट फंगस है। जी, मैंने इसको नेट पर सर्च किया था, इसके पहले 2 केसेस और हैं जो ब्लड बॉर्न एस्परजिलोसिस के हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं अब तक का सबसे बड़ा।